अमित लोढ़ा बिहार के टॉप मोस्ट ऑफिसर में से एक थे और 98 के बैच के बेस्ट आईपीएस ऑफिसर भी थे। इन्हीं की किताब बिहार डायरीज के ऊपर बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर नीरज पांडे जी एक वेब सीरीज लेके आए हैं जिसका नाम है खाकी। जिस तरह से नेटफ्लिक्स और नीरज पांडे जी का इस वेब सीरीज से नाम जुड़ गया है, ये वेब सीरीज अब मस्ट वॉचेबल बन चुकी है। क्या इन सब बातों की वजह से बाकी प्रेक्षकों को भी ये वेब सीरीज देखनी चाहिए क्या? चलिए आज इस एपिसोड में इस वेब सीरीज का रिव्यू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो रिव्यू को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। नीरज पांडे क्या वाकई डायरेक्टर के तौर पर साबित कर पाए खुद को? क्या करण टक्कर, अविनाश, निकिता दत्त और आशुतोष राणा जैसे कलाकारों के काम से सजी ये वेब सीरीज आपको पूरी तरह एंगेज करने में सफल रह चुके हैं क्या? राजस्थान के रहने वाले अमित लोढ़ा जब आईपीएस की परीक्षा पास हो जाते हैं तो उन्हें पहली पोस्टिंग बिहार की मिल जाती है। तब क्या और अब क्या, बिहार का हाल अभी भी बेहाल है? अभी भी बिहार की जनता खून खराबा, जात पात, राजनीतिक भ्रष्टाचार, चोरी चकारी इन जैसी खुद के ही उलझने से जूझ रही थी। तो उन्होंने पहली बार रेल रोको आंदोलन को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल किया। तो दूसरा काम चंदन महतो जैसे गुंडे को जेल पहुंचाकर शहर को साफ किया। चंदन महतो का नरसंहार और आईपीएस अमित लोढ़ा का सिंघम अवतार पूरे 7 एपिसोड तक चलता रहता है। लेकिन जब दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े रह जाते हैं, एक दूसरे को चैलेंज करते हैं, तब वेब सीरीज और भी इंटरेस्टिंग बन जाती है। इस वेब सीरीज की कहानी का मेन प्लॉट साल 2005 में घटित होता है। तब भी इतने कम रिसोर्सेस होते हुए भी मोबाइल टेक्नोलॉजी के जरिए अपराधियों को रिलोकेट और रिट्रैप करने का जो वेब सीरीज में बेहतर और बढ़िया प्रयास दिखा है, सच में काबिल तारीफ है। अभिनय के मामले में बात करें तो रवि किशन के लिए इस वेब सीरीज में बहुत ही छोटा सा रोल है, लेकिन उन्होंने उसे बहुत ही बढ़िया तरीके से पेश किया है। इस वेब सीरीज के अभिनय का पूरा भार करण टक्कर और अविनाश तिवारी इन नौजवान अभिनेताओं के कंधों पर है। एक तरफ अविनाश तिवारी ने चंदन महतो के किरदार में इस जिम्मेदारी को पार करने का पूरी तरह से प्रयास किया है। इस किरदार में कई वो डरपोक तो कई खूंखार दिखते हैं। वहीं दूसरी तरफ आईपीएस अमित लोढ़ा के किरदार में करण टक्कर ने अपना 100% देने का पूरी तरह से प्रयास किया है। करण इसके पहले भी नीरज पांडे की स्पेशल उप्स इस वेब सीरीज में काम कर चुके हैं। अब अभिनय की बात ही चल रही है तो आशुतोष राणा का जिक्र तो बनता ही है। उनके इस किरदार के लिए वेब सीरीज में थोड़े थोड़े ग्रे शेड लगाए गए हैं। इस वेब सीरीज के स्टोरी राइटिंग में बहुत सारी कमियां हैं, जैसे कि डीजल चोरी करने वाला चंदन अपराध की दुनिया का सरोकार कैसे बन जाता है, इसे डायरेक्टर और राइटर हमें पूरी तरह से स्पष्ट रूप से बता नहीं पाए हैं। राइटर और डायरेक्टर इन दोनों ने इस वेब सीरीज को गंगा जल, मिर्जापुर और रंगबाज जैसी फिल्मों का टच देने की कोशिश की है। बस इसी ट्रीटमेंट के चलते ये वेब सीरीज एवरेज के ऊपर उठ ही नहीं पाती है। पुलिस वर्सेस गैंगस्टर ये सामना हमें कई सारी फिल्मों में देखने को मिला है। इस वेब सीरीज के रचयिता तो नीरज पांडे है, लेकिन बहुदुलिया के हाथ में जो डायरेक्शन की कमान संभाली गई है वो पूरी तरह से सफल होती नहीं दिखाई देती है। इन सब वजह से खाकी वेब सीरीज यादगार तो नहीं बन जाती, लेकिन वन टाइम वॉचेबल बन जाती है। दोस्तों कैसी लगी ये वेब सीरीज प्लीज कमेंट करके बताना। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।